कॉमन सिविल कोड पर सुप्रीम कोर्ट ने गोवा को दी मिसाल। समझिए देश में यह कानून कैसे लागू हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को देश में सभी नागरिकों के लिए कॉमन सिविल कोड लागू न होने पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि इस दिशा में गंभीर प्रयास नहीं किए गए हैं। कोर्ट ने गोवा का उदाहरण भी दिया। आइए जानते हैं इससे जुड़ी हुई कुछ हाइलाइट्स के बारे में। कॉमन सिविल कोड पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी दी और कहा, अब तक इसके देश में लागू न होने पर जताई नाराजगी गोवा का भी उदाहरण दे दिया। यह राज्य शानदार उदाहरण है। गोवा में पुर्तगाल सिविल कोड 1866 को अब भी लागू रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को कॉमन सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता की चर्चा उठी। कोर्ट ने देश के सभी लोगों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू न होने पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि हिंदू लॉ 1956 में बनाया गया, लेकिन 63 साल बाद बीत जाने के भी पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू करने के प्रयास नहीं किए गए हैं। हालांकि इस दौरान कोर्ट ने गोवा को मिसाल दी है। दरअसल गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। आइए समझते हैं कि किन परिस्थिति में देश का केवल एक ही राज्य में यह अहम कानून लागू होता है। कोर्ट ने कहा कि हमारे सामने गोवा का शानदार उदाहरण जस्टिस दीपक गुप्ता और अनिरुद्ध बोस की पीठ शुक्रवार को गोवा के एक संपत्ति विवाद के मामले में सुनवाई कर रही थी। बेंच का फैसला लिखते हुए जस्टिस गुप्ता ने कहा, भारतीय राज्य गोवा एक शानदार उदाहरण है जिसने धर्म की परवाह किए बिना सभी के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया है। गोवा में जिन मुस्लिम पुरुषों की शादियां पंजीकृत हैं, वह बहुविवाह नहीं कर सकते। इस्लाम को मानने वाले के लिए मौखिक तलाक, तीन तलाक का भी कोई प्रावधान नहीं है। अकेले एक राज्य में कानून कैसे? ऐसे में यह समझना बहुत ही अहम है कि आखिर अकेले गोवा में कॉमन सिविल कोड लागू कैसे है। दरअसल 1961 में भारत में शामिल होने के बाद गोवा, दमन और दीव प्रशासन के लिए भारतीय संसद ने कानून पारित किया। गोवा दमन और दीव एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट 1962 और कानून में भारतीय संसद ने पुर्तगाल सिविल कोड 1866 को गोवा में लागू रखा। इस तरह से गोवा के समान नागरिक संहिता लागू हो गई थी। शुक्रवार को पीठ ने भी कहा कि गोवा राज्य में पुर्तगीज सिविल कोड 1866 लागू है, जिसके तहत उत्तराधिकारी को लेकर कानून स्पष्ट है। गोवा में लागू समान नागरिक संहिता के अंतर्गत वहां पर उत्तराधिकारी दहेज और विवाह से संबंध में हिंदू, मुस्लिम और ईसाई के लिए एक ही कानून है। इसके साथ ही इस कानून में ऐसा प्रावधान है कि कोई भी माता पिता अपने बच्चों को पूरी तरह संपत्ति से वंचित नहीं कर सकते। इसमें निहित एक प्रावधान यह भी है कि यदि कोई मुस्लिम अपनी एक शादी का पंजीकरण गोवा में करवाता है, उसे बहुविवाह की अनुमति नहीं दी जाएगी। हिंदी खबरें और उससे जुड़े रहने के लिए, लेटेस्ट न्यूज पाने के लिए सब्सक्राइब करें हिंदुस्तान मिरर यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।